पूरा खेत जोत दिया गया है 10 मिनट के अंदर और सभी लोग निकल चुके हैं। सुंदर प्राकृतिक नज़ारे और उतना ही सुंदर आसमान। क्या चीज़ है ये? बिच्छू का घास का जर है। अच्छा, इस बिच्छू घास का जर ऐसा होता है क्या? ये सराची 100 कंपनी का ट्रैक्टर है और काफ़ी छोटा है और पहाड़ के हिसाब से बनाया गया है। प्लेट में चला है क्याला जो हार्ड हो रहा है, तभी तो पहाड़ कहते हैं फिर यहाँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली स्टार्ट हो चुका है, तेल डाला जा रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नई दिन की नई शुरुआत के साथ आपका मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह अपने खेतों पे निकल चुका हूँ, ये देख पा रहे होंगे आप, और साथ में मेरे एक लेबर भी है और यहाँ पर जुताई का कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले खेत तैयार करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये कांटे वगैरह होते हैं ये निकाले जाते हैं पहाड़ों में, और जुताई का कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। लोगों के बैल आ चुके हैं और ट्रैक्टर के द्वारा भी यहाँ पर जुताई की जा रही है। और फाइनली आज राजेंद्र भी सुबह सुबह ही निकल चुका है खेतों को और इसके द्वारा वहाँ पर कार्य किया जाएगा। और ये देख पा रहे होंगे सुंदर पहाड़ का शानदार मौसम और हरियाली आप देख पा रहे होंगे, और अभी पूरे खेत खाली हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फाइनली हम काफ़ी नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ खेत स्टार्ट हो चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप पहाड़ के सुंदर प्राकृतिक नज़ारे और उतना ही सुंदर आसमान। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर जुताई कर दी गई है, ये देखिए इक्के दुक्के खेतों में अभी जुताई स्टार्ट हो चुकी है। आपको बैकग्राउंड में काफ़ी बैलों की जोड़ी दिखाई दे रही होंगी और यहाँ पर ट्रैक्टरों के साधन तो हैं लेकिन पगडंडियाँ काफ़ी छोटी हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों रास्ते की हालत, ये देख पा रहे होंगे ये रास्ता है, इन रास्तों में ट्रैक्टर को लाना काफ़ी असंभव है। और फाइनली दोस्तों ये देख पा रहे होंगे काम स्टार्ट हो चुका है और इसको पूरा जड़ निकाला जाता है इसका, और ये अगली बार जो है अगले सीजन में ये बिल्कुल इसका तना खत्म हो जाएगा और ये यहीं पर जड़ समाप्त हो जाती है, इसलिए यहाँ पर निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पूरे खेत की जो झाड़ियाँ हैं वो काट दी गई हैं, ये देख पा रहे होंगे कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ये देख सकते हैं फाइनली पूरा साफ कर दिया गया है। दोस्तों अभी खेत खाली हो चुके हैं और यहाँ पर जितनी भी बकरियाँ हैं वो चरने के लिए आई हुई हैं, देख सकते हैं। और इस तरह अभी खेत खाली होने के कारण बकरियों को इस तरह यहाँ छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों करीब 12 बज चुके हैं और मैं अपने घर को लौट चुका हूँ और ये ज़बरदस्त धूप लगी है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं लेबर के लिए खाने की व्यवस्था के लिए आज घर में जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं खाना लेके फिर खेत में लौटने वाला हूँ। ये देखो क्या चीज़ है ये? बिच्छू का घास का जर है। अच्छा, इस बिच्छू घास का जर ऐसा होता है क्या? ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे ये बिच्छू घास की जड़ है और इनके द्वारा फाइनली आज यहाँ पर बिच्छू घास की जड़ को निकाल दिया गया है, ये देख सकते हैं इस तरह की जड़ होती है इसकी। आप देख सकते हैं दोस्तों करीब 4 बजने वाले हैं और फाइनली हम जो है ऊपर पहुँचने वाले हैं, कलिया मांगा बोलते हैं इसको, और यहाँ पर भी काफ़ी कांटे दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये देखिए काफ़ी बड़ा तप्पड़ है ये। और ये देख सकते हैं दोस्तों फाइनली करीब 5 बजने वाले हैं और यहाँ पर चाय पानी पी जा रही है शाम की और काफ़ी ठंडा हो चुका है और गांव से धूप निकल चुकी है। और ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट टॉपों में धूप दिखाई दे रही है और ये पूरा क्षेत्र है, देख सकते हैं आप शानदार नज़ारा। और राजू भी काफ़ी थक चुका है, ये देखिए ये भी चाय पी रहा है आज। थकान हो गई? कितना हुई? काम कैसा था ये? काम था, काफ़ी काम था और फाइनली काफ़ी मेहनत कर दी है दोस्तों आज, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं दोस्तों घर में खुदाई का कार्य भी स्टार्ट हो चुका है, फाइनली जॉब हो दी हुई है इसमें। और आप देख सकते हैं दोस्तों सुंदर नज़ारे गांव के, और गांव में इस तरह अभी काम हो रहा है, ये देख पा रहे होंगे खुदाई का काम चल रहा है, जो मसूर लगाए जा रहे हैं गाँव में, जो अपने आस पास घरों के जो खेत होते हैं सब जगह खुदाई का काम चल रहा है अभी। तो आज खेत में जुताई स्टार्ट हो चुकी है और आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सराची 100। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सराची 100 कंपनी का ट्रैक्टर है और काफ़ी छोटा है और पहाड़ के हिसाब से बनाया गया है और काफ़ी ज़बरदस्त इसमें इसका पावर है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और मेरे खेत में ये लग चुका है। अच्छा, हैवी टायर है मतलब इसके? लाया था पहले प्लेन से, मैं प्लेन में चला है क्याला जो जोतते हो?
तो यहाँ यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है फिर? यहाँ तरी कड़ी धरती है, वहाँ तरी दरब धरती है। यहाँ हार्ड हो रहा है पहाड़ में? हार्ड हो रहा है यहाँ, तभी तो पहाड़ कहते हैं। फिर यहाँ स्टार्ट कैसे होता है? यहाँ से होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली स्टार्ट हो चुका है। एक्सीलेटर ये देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली स्टार्ट हो चुका है ट्रैक्टर और कार स्टार्ट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, तो इस वजह से मिट्टी जो है काफ़ी सख्त हो चुकी है और धूल उड़ी है। और ये देख सकते हैं, और काफ़ी सख्त हो चुकी है मिट्टी दोस्तों। ट्रैक्टर की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है और सिर्फ 3 राउंड में ये पूरा खेत कम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जुगराड़ बाबा का मंदिर है, ये देख सकते हैं सुंदर, पूरे खेत खलिहानों के बीच में यहाँ पर जुगराड़ बाबा का सुंदर मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस लंबे खेत को बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली इसमें तेल लगा जा रहा है। कितने लीटर की है टंकी? 3 लीटर की। इसको इस तरह से चढ़ाया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, करीब 5 बज चुके हैं और मैं काफ़ी ऊपर पहुंच चुका हूं और पूरा खेत जोत दिया गया है 10 मिनट के अंदर और सभी लोग निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं। और दूर पहाड़ों में आपको धूप दिखाई दे रही होगी। आशा करता हूं दोस्तों, पहाड़ी लाइफ स्टाइल का ब्लॉग जरूर आपको पसंद आएगा। और ऐसी ब्लॉग देखने के लिए मेरे पहाड़ी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।